चलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आप जो देख सकते हैं, टिकटॉक पे कंकाल वाले वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप के एक वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PNG प्लस काइन मास्टर अप्लीकेशन का लिंक दे रखे है, दोनों को आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। आपने जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, इसके बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है। तो जब भी वीडियो शूट करेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, एक आपको बैकग्राउंड क्लिक कर लेना है। तो सिंपल आपको देख सकते हैं आप जो बैकग्राउंड पर, मैं यहाँ बिल्कुल बैकग्राउंड खाली है, तो इस तरह से आपको खाली होना चाहिए। सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिलीट से ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देंगे, ये जो इमेज है आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, वीडियो देखना है आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से आपको लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था रिमूव हो गया। वीडियो को लास्ट में लेकर आएंगे, वीडियो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को हम इसे म्यूट कर देंगे। हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो सिंपल इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे, लकड़ी को मैंने यहाँ से उठा रहा, तो इस तरह से यहाँ पर लेकर आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को इस तरह से जूम कर लेना है, फिर से इस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और इस बैकग्राउंड का कलर जो आपको ग्रीन कर देना है और इसे आपको इस तरह से बड़ा कर देना है। इसके बाद इस बैकग्राउंड को सिंपल आपको इसके सामने आपको एडजस्ट इस तरह से आपको कर देना है, इस बैकग्राउंड को फुल साइज कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को जो भी है ट्रिम टू राइट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर जैसे कि हम ऊपर की तरफ आ रहे थे, इसे भी हमको ग्रीन को भी ऊपर की तरफ लेकर आना है। इस पर क्लिक करेंगे ग्रीन स्क्रीन वाले पे, इसके बाद डिलीट के ऊपर एक की का ऑप्शन मिल जाता है, की पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसे हमें आगे की तरफ लेकर आएंगे, जैसे इसके ऊपर तरफ आएंगे सिंपल आपको इसको भी इस तरह से ऊपर कर देना है। इसके बाद प्लस पे, फिर से इस पर क्लिक कर देना है, फिर से आगे की तरफ लेकर आना है, इसको भी इस तरह से आगे की तरफ कर देना है, फिर से इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ आपको ग्रीन स्क्रीन जा रहा है, तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है। इसके बाद इसे डन कर देना है, इसके बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p 1080 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो बार बैक कर लेना है, बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने कैप्चर किए थे उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसी इमेज को आपको वीडियो को इस इमेज के लेयर पर क्लिक करेंगे और क्रॉप पर क्लिक करेंगे, इसे आपको इक्वल कर देना है क्योंकि जो छोटा बड़ा हो रहा था अब छोटा बड़ा नहीं होगा। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इसे आपको वीडियो को थोड़ा लेयर को बढ़ा देना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो को एक्सपोर्ट किए थे, एक्सपोर्ट किए गए वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, वीडियो आपको फुल साइज़ में हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे, तो आपको वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे सिंपल और क्रोमा की को इनेबल आपको कर देना है, कलर की पे आना है और यहाँ पर आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देते हैं, आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है। सिंपल इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से हम ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है। लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे, आपको एक PNG का लिंक मैंने दे रखा हो डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर क्रॉप पे आना है, ऐसे आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ तक का सीन आपको सिर्फ चाहिए, तो इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट आपको कर देना है, तो आपको देख लेना कहाँ तक का सीन चाहिए। सिंपल आपको इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है, इसके बाद इसे इमेज को फुल साइज कर देना है, ठीक है। इसके डन,
तो देख सकते हैं हमारा इमेज कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन है जो इमेज जो हमारा कुछ ऊपर नीचे की तरफ दिख रहा है। तो सही तरह से पहले PNG को मैं सेट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर हमारा PNG सेट हो चुका है, लेकिन हमारा फ्रंट पे आ रहा है, तो इसे हमें बैक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसे हमें सेंड टू बैक कर देना है, सिंपल। तो अब देख सकते हैं हमारा इमेज कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा, जैसे हम ऊपर की तरफ करेंगे तो वैसे ऊपर दिख रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, और आपका वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।